जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग डीआरडीओ टेक्नीशियन की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसमें हम रीजनिंग, मैथ और अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के कराएंगे। तो अभी हम जस्ट रीजनिंग को आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि इस साइड में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर आता जाएगा, आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं पहले तो आंसर देते जाइएगा, और मैं इधर सॉल्व भी आंसर कराते जाऊंगा। तो जिसमें देखिए, आप पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है करा है, ये 14 और 13 दे रखा है, इसको 14 और हैच करके 13 दे रखा है, कह रहा है 9 आ रहा है। दूसरा 27, इसमें ट्रिक सोचिए क्या करने से ये आ सकता है, ये 18 आ रहा है, तो इसको हम क्या करने पर ये आ रहा है। तो देखिए अगर गुणा करेंगे कि क्या करें, तो पहले तो जोड़ से ही देख लीजिए, 4 1 5 आ रहा है, इसको जोड़ दीजिए, 3 1 4 आ रहा है। फिर आप सोचते हैं क्या इसमें इनका गुणा करते हैं कि क्या करते हैं, पर तो सिंपल जोड़ से ही आ जा रहा है, 5 4 9 आ जा रहा है। तो वैसे इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इन दोनों को जोड़िए 9 आ रहा है। फिर ये इसके स्थान पर जो है, इसके स्थान पर 9 रखेंगे तो ये भी 18 आ रहा है। तो मतलब सब संख्याओं को जोड़ने पर इसका आंसर आ रहा है। तो जो अपना क्वेश्चन में पूछ रहा है 46 हैच 31, तो अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हुआ, 10 हुआ। फिर इसको बीच में 3 1 4 हो गया, अब जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये 14 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 होगा। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको ये जानना चाहिए कि हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो ये पता होना चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग में लड़कों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसका आंसर ए आएगा। तो और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में जो पूछता है, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, रैंकिंग पूछता है कि 40 लड़के कतार में हैं, एक कतार बनी हुई है जिसमें कह रहा है कि 40 लड़के हैं, टोटल कितने लड़के हैं, 40 हैं, और ये देखिए दायां है, ये बायां है, आपके दाएं साइड का दायां ये हो गया, ये बायां हो गया। तो बोल रहा है कि विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, इसका स्थान कितना है, 14वां है दाईं ओर से। ऐसे जब लेते हैं तो ये जो विकास है, विकास नाम व्यक्ति है, इसका दाईं ओर से कितना स्थान है, 14वां है। तो पूछ रहा है कि इसका बाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए, इसका लेफ्ट साइड से स्थान, राइट साइड से ये 14 है तो लेफ्ट साइड से इसका स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आप ऐसे निकाल, एग्जाम में आप एक चीज याद कर लीजिए, फार्मूला होता है हर जगह, बहुत जगह बैठता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये टोटल है, टी टोटल हो गया, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 40 हैं, लेफ्ट में कितने हैं ये निकालना है, राइट में कितने हैं, 14 हैं, ये माइनस कर दीजिए फार्मूले के हिसाब से, ये 40 लेफ्ट प्लस 13, अब इधर लाएंगे 13 को तो क्या हो जाएगा, 40 में से 13 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू लेफ्ट, कितना आंसर आया, 7 ये 3 27। तो इसका बाएं से कौन सा स्थान है, 27वां स्थान है। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, तो दूसरे का डी हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका आंसर देखिए कौन सा होगा, आप आंसर दीजिए, लेवल सेम है, तो ऐसे ही लेवल को आपको भी तैयारी करने हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा ही, जो हम कराए थे अभी जो कराएंगे ऐसे ही आएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आया किसी का, कमेंट करिएगा। देखिए ये कह रहा है कि व्यक्ति तीसरा में भोजन बैगन सब्जी, तो देखिए अगर हम थाल में भोजन लेते हैं तो भोजन में क्या होगा, एक तो सब्जी होगी, अगर ये भोजन है तो उस थाल में ही क्या होगी, सब्जी होगी, और चावल होगा कुछ और तरह का होगा, तो ये होगी सब्जी, और सब्जी के अंतर्गत ही कोई आलू की सब्जी होती है, कुछ किसी की सब्जी होती है, आलू हो गया, परवल हो गया, तो इसके अंदर ही बैगन की सब्जी आ गई। तो देखिए भोजन के अंदर सब्जी, सब्जी के अंदर बैगन, तो इस तरह से कौन सा डायग्राम बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है, तो इसलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आइए और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, राज्य, व्यक्ति, नगर, जिला, गृह, तो इसको आप क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस देना होता है कि सबसे छोटा कौन होगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन है, क्रम आपको लगाना होता है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति है, फिर उसके बाद कौन है, तो आप व्यक्ति के स्थान पर एक नंबर लिखिए क्योंकि ऑप्शन में भी 2 नंबर है, ऑप्शन में भी नंबर करके दिया हुआ। फिर कौन है, व्यक्ति के बाद कौन आएगा, व्यक्ति के बाद उसका घर आएगा, गृह आएगा, ये किस नंबर पर है, 5 नंबर पर है। इसके बाद कौन आएगा, नगर आएगा कि जिला आएगा, देखिए नगर के बाद जिला आता है तो नगर 3 नंबर आएगा, फिर चौथे पर जिला आएगा, और इससे बड़ा कौन होगा, राज्य होगा। तो सबसे बड़ा देखिए राज्य है, फिर उसके बाद ये जिला है, नगर है, फिर उससे छोटा आपका गृह है, फिर व्यक्ति है। तो हम सबसे छोटे से चलें क्योंकि इस ऑप्शन में सबसे छोटे से दिया है, तो आप इस तरह से छोटे से लग सकते हैं, अगर एक से ऑप्शन दिया हो तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पर एक से ऑप्शन जो देखिए नहीं मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 5 ये किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये चौथे क्वेश्चन का हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया था, थोड़ा हम लोग में इससे बड़ा लेवल में था क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, ये पूछा था त्रिभुज ऐसे है, और इसमें पूछा था कितने त्रिभुज बनते हैं। आप इसको देखिए, बनाने का एक प्रोसेस होता है कि आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो इसको जोड़ दीजिए 1 2 3 4, कितना हुआ, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। तो अगर ये वाला ना रहे, ये वाला जो ऊपर वाला ना रहे, ऐसे ऐसे रहे, तो कितना त्रिभुज बना, 10 त्रिभुज बना। पर ये लाइन के होने से 10 दुना के 20 त्रिभुज बन गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए में 20 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कैसे मिल गया। आइए अब डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा था, तो अब डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मणि कॉलेज से 3 किलोमीटर पूर्व चलता है। देखिए कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो तो हमेशा ये देखिए कि ऊपर उत्तर होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, तो इसके अपोजिट साउथ होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है और इधर ईस्ट होता है। अगर आप इसको कागज रखेंगे, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ऊपर जब नॉर्थ रख के आप देखेंगे तो इस तरह से बनता है, तो हमेशा आपको ऊपर नॉर्थ लेना है। तो कह रहा है मणि कॉलेज से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व इधर है, तो ये 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह दाएं क्यों मुड़ा। आप ऐसे अपने को ही मान लीजिए कि हम इधर 3 किलोमीटर ऐसे से जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम दाएं मुड़ेंगे। देखिए अपने दाएं हाथ की तरफ ऐसे मुड़ जाइए, देखिए दाएं हाथ की तरफ मुड़े तो हम इसका दाएं हाथ क्या है, इधर है, तो दाएं हाथ की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 3 से कम 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, उसके बाद करा फिर दाएं मुड़ा। अगर हम ऐसे फिर गए, फिर अपने दाएं मुड़ेंगे, फिर ऐसे चले जाएंगे, तो फिर ये देखिए ये ऐसे आ रहा है। जब यहाँ आप खड़े होंगे, जब मुड़ेंगे तो क्या हो गया, ऐसे अपने दाएं मुड़ेंगे, इधर मुड़ते तो बाएं मुड़ते, तो फिर मुड़ा और चला। तो पूछ रहा उसका मुख किस दिशा में है, देखिए ये मुख किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी में देखिए पश्चिम है, इस क्वेश्चन का हो गया सी। ऐसे आप प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन और कर लीजिएगा और आगे हम भी कराएंगे आपको। तो ये टाइप का क्वेश्चन था। अब आइए कैलेंडर से, बहुत एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप कैलेंडर का देखते हैं। ये करा 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था और 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, बताइए। 3 दिसंबर 2010 को क्या है, शुक्रवार है, और पूछ रहा है 3 जनवरी 2011 में। देखिए अब दिसंबर में कितना महीना होता है, आप इसी महीने में देखिए, हर एक दिसंबर में 31 दिन होते हैं, टोटल 31 दिन दिसंबर में होते हैं। तो इसमें देखिए 3 तो बीत गया, बचा कितना, 28 दिन बचा, और जनवरी का कितना दिन बचा, 3 दिन बचा, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन को 7 से भाग दे देते हैं। ये देखिए टोटल कितने हो गया, 28 दिन, 31 को 7 से भाग दीजिए, जो शेष बचता है 28, तो 28 कट ही जाएगा, और बचा क्या शेष, 3 शेष बचा, तो जो शेष बचता है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो कितना, देखिए शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो शनि रवि सोम, मतलब सोमवार होगा। देखिए इसका किस ऑप्शन में है, सोमवार, ऑप्शन नंबर बी में है, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो कैलेंडर का और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम एक टाइप का ये कराए हैं, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया, और आगे अगले टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि एफ ए का भाई है। हमने बताया था अपने पिछले क्वेश्चन में कि अगर भाई को हम किसे दिखाते हैं, भाई को हम मतलब जो मेल होगा इससे दिखाएंगे, जो फीमेल होगा इससे दिखाएंगे, फीमेल को ऐसे, मेल को इससे दिखाएंगे रेक्टेंगुलर से, फिर जो शादीशुदा हो तो ऐसे दिखाएंगे, पर शादीशुदा ना हो तो भाई बहन हो तो ऐसे दिखाते हैं, अगर एक भाई और है तो ऐसे दिखाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है एफ ए का भाई है, तो एफ किसका भाई है, ए का भाई है, देखिए भाई है और किसका है, ए का है, ओके। अब आइए कह रहा है सी ए की पुत्री है, सी जो है पुत्री है, हमने बताया कि जो पुत्री होगी मतलब स्त्री होगी उसे हमेशा सर्कल से दिखाएंगे, तो ये सी ए की पुत्री है, और कह रहा है के एफ की बहन है, के किसकी बहन है, एफ की बहन है, तो बहन है तो इसको इस तो कैसे दिखा, ऐसे दिखा देंगे, के एफ की बहन है, सी जी का भाई है, सी किसका है, जी का भाई है, नहीं जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का देखिए ये मम्मी होंगी, ए का लिंग तो नहीं दिया है, मम्मी होंगी ऐसा पापा होंगे, तो इसके जो ये आ रहे हैं ये तो भाई, ये तो स्त्री है, तो भाई कौन हो सकता है, एफ हो सकते हैं, चाचा मतलब ये जो इनके पिता है दोनों भाई भाई हैं, तो एफ के चाचा होने की संभावना है, इस तरह से इसका आंसर एफ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
2, 10, 40, 120 इस सीरीज का क्वेश्चन, इसमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये सीरीज कैसे बढ़ रही है, अगर ये सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसको जोड़ के हम इसका आंसर ज्ञात करते हैं, पर अगर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसको हम गुणा करते हैं, अगर घटती है बहुत तेजी से तो भाग करते हैं, अगर धीरे धीरे घटती है तो घटाते हैं। पर देखिए दो हुआ, फिर दोगुना से भी अधिक 40 हो गया, तो फिर 10 हो गया, फिर 10 का फिर 40, ये जोड़ने से नहीं बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हम इसमें गुणा देखेंगे। इसमें देखिए गुणा कुछ दिखाई है, दो में अगर 5 का गुणा करते हैं इसके बीच तो 10 आ गया, इसके बीच देखिए कितनी गुणा कर रहे हैं, 4 का गुणा कर रहे हैं, इसके बीच कितनी गुणा कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं, इसके बीच कितनी का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, मतलब 5, 4, 3, 2, तो आप इस बार 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 में 1 का गुणा करेंगे तो 240 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम में 2 क्वेश्चन लगभग में आते ही हैं। तो इसका ऑप्शन 240 होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ABCD का रहता है, कुछ कह रहा है CENTRAL, हमने बोला था इसके नीचे इसको लिख दीजिए, तो दिया है इसको क्या कहा जा रहा है, LARTNEC कहा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इसको क्या बोलेंगे, सेमिनार को हम क्या बोलेंगे। तो अब देखिए इसमें कौन सी टेक्निक लग रही है, अब ये सी गया इधर, ई गया इधर, एन गया इधर, टी गया इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब लास्ट वाला जो पहले आ जा रहा है, पहला वाला लास्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे है। तो अब ऐसे ही हम सेमिनार को कर देंगे, जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सी टेक्निक यहाँ पर लगेगी, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए लास्ट वाला पहले हो जाएगा तो आर हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, ऐसे ऐसे सबका लास्ट वाला पहले वाला लास्ट में चला गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, RANIMES, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि अगर जल्दी, अगर तेजी से कराएं कि और धीरे धीरे कराएं, अच्छे समझा कराएं या फास्ट कराएं, क्योंकि अब एग्जाम है, इस हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन कराने होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है फास्ट हो तो फिर हमें बता दीजिए, कमेंट में लिखिए जो भी जैसा आपको कुछ पढ़ना है। देखिए सलीम की आयु कह रहा है 10 वर्ष, एक सलीम है इनकी आयु कितनी है 10 वर्ष है, ठीक। अब कह रहे हैं दादाजी हैं इनकी आयु कितनी है 62 वर्ष है, और कह रहे हैं कि कितने वर्ष के बाद दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी होगी। तो माना आप लोग लगाए हुए, माना 100 वर्ष बाद दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी होगी, तो 100 वर्ष, तो सलीम की आयु 100 वर्ष और दादा की 100 वर्ष बाद, दोनों की आयु में 100 वर्ष बाद मान लिया कि इनकी आयु का, सलीम जो है इनकी आयु का 5 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इनका भी 100 वर्ष बढ़ गया, इनका भी 100 वर्ष बढ़ा, और सलीम हमने 5 का गुणा कर दिया क्योंकि ये 5 गुना हो रहा है। अब देखिए इसका हम कर दें कैलकुलेशन कर दें, सलीम का आयु कितना दिया है 5 हो गया, यहाँ 10 दिया है, x दिया है, दादाजी की आयु कितनी दी है 62 दिया है प्लस x दिया है, अभी इसको गुणा करिए 10 × 50 प्लस 5x, ऑप्शन से भी कर सकते हैं पर मान लीजिए ऐसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने इसको किया, फिर 5x को इधर ले जाएंगे और इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 62 इधर आएगा, ये 50 इधर चला जाएगा, और 5x में से x जब घटा देंगे तो 4x आ जाएगा, अब ये घटाएंगे कितना है 12, तो x का मान कितना आ रहा है 3। तो यही क्वेश्चन पूछा था कितने वर्ष के बाद सलीम की मतलब दादाजी की आयु सलीम की आयु के 5 गुनी हो जाएगी, तो ये कितना आया 3 वर्ष आया, तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाई का क्वेश्चन है और डाई का क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं, तो डाई का क्वेश्चन का हम अभी एक दो रूल बता देते हैं। देखिए अगर सेम नंबर्स रहे तो अगर किसी डाई में इस क्वेश्चन अगर सेम नंबर आ रहा है, जैसे एक डाई है फिर यहाँ पर सेम नंबर आ रहे हैं, तो हम उस सेम नंबर को उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक है और दूसरे में भी एक है, तो एक को लेके ऐसे बनाते हैं, एक रूल ये है। और दूसरा रूल क्या है कि हम देख लेते हैं अगर दोनों में, जैसे इसमें देखिए दूसरा रूल लगा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए कह रहा है 3 के समूह कौन हो, मतलब 3 के अपोजिट में कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें 3 है तीसरे डाई में, तो इसमें 6, 5 है, और देखिए अगर 6, 5 अगर जैसे 3 जो नंबर 6, 5 किसी और भी डाई में है तो वही उसका आंसर हो जाएगा उसकी जो अपोजिट में जो और संख्या उसके साथ होगी। तो 6, 5 देखिए किस डाई में है, पहले डाई में है, तो इसका उत्तर 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। तो ये है दूसरा रूल कि अगर दो संख्याएं किसी भी डाई पर सेम मिलती हो तो जो उसमें होगा संख्या वही उसका समूह संख्या हो जाएगी। तो इस तरह 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, समूह 4 हो जाएगा।
अब इस तरह के भी क्वेश्चन हम लाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि उसका आंसर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो इस तरह से डाई के रूल बनते हैं। तो इसका कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए यहाँ गलत संख्या, ये गलत हो गया है, यहाँ संख्या कौन सी ज्ञात करें ये होना चाहिए, श्रृंखला में संख्या ज्ञात करें। देखिए एक दिया है 11 और 18, 27, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो अब इसको सोचिए क्या हो सकता है, अगर इसमें जोड़े घटाएं क्या करें, तो इसका दिमाग लगाइए। अगर इसमें 7 जोड़ते हैं फिर इसमें कितना हो जाए 11 होता है, कुछ सिंपल नहीं बैठ रहा है। तो अब देखिए इसको अगर कर दीजिए 2 का क्यूब कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, इसमें 3 का क्यूब कर दीजिए, तब भी नहीं आ रहा है। ओके, अब ऐसे सोचना पड़ता है, एग्जाम में भी आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, 11 18 27 अगर 2 का 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 3 के 9 2 11 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौके 16 प्लस 2 18 फिर 3 4 का क्या तो 5 का स्क्वायर करते हैं, फिर 2 किए कितना गया 27। वैसे आप 6 का स्क्वायर करिए और 6 का स्क्वायर प्लस 2 6 के 36 2 38, इस क्वेश्चन का आंसर 38 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। तो ऐसे एग्जाम में भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जोड़ेंगे क्या करेंगे, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या करना है। देखिए हमने भी ऐसे ही करना है आपको भी। अब आइए अगला जो इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है 2 5 6 को हम यू आर गुड लिख रहा है, 6 3 7 को क्या लिख रहा है, वी आर बैड, और 3 5 8 को गुड। देखिए ऐसे आपको समझाने के लिए ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा आपको, सीधे दिख जाता है। देखिए अब इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन बैड बैड है, इसमें भी बैड है, इसमें भी बैड है, और इसमें बस ये है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एंड का कोड ज्ञात कीजिए, एंड किसमें है, इसका कोड हमसे पूछ रहा है। तो एंड का कोड निकालने के लिए हम देखिए बैड बैड इसमें तीन दोनों संख्या में कौन सा कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, ये 3 यहां 3 यहां, ठीक। तो बैड का कोड क्या मिल गया, बैड का कोड अगर पूछता तो 3 हो जाता। और इसका देखिए इन दोनों क्या कॉमन है, गुड और गुड यहां है, ऐसे त्रिभुज बना दीजिए यहां, ऐसे त्रिभुज बना दीजिए यहां। तो गुड का देखिए इन दोनों क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये 5 कॉमन दिख रहा है, ये 5 ये 5 बचा 8, तो 8 कोड किसका हो जाएगा, एंड का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 जो है एंड का, मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन को लगाना है, पहले ऐसे ले लीजिए फिर आप 2 को कॉमन लेके ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे इसको आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वैसे ही क्वेश्चन कह रहा हूं जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं और लड़के इसको निकालते हैं। जे का अर्थ क्या है, गुणा है, और के का अर्थ क्या है, प्लस है, एल का अर्थ क्या है, भाग है, एम का अर्थ क्या है, माइनस है। तो अब इसको सॉल्व करने को देता है, 1 k ऐसे आप लिख लीजिए पहले, 7 j 7 l 3 m 5। अब k के स्थान पर देखिए अब क्या है, प्लस है, कर दीजिए। l के स्थान पर क्या है, l के स्थान पर यहां देख लीजिए भाग है, तो यहां भाग कर दीजिए। j के स्थान पर क्या है, गुणा है, गुणा कर दीजिए। l के स्थान पर क्या है, भाग है। एम के स्थान पर क्या है, माइनस है। अब इसको लगा दीजिए, के प्लस 9/7 गुणते 7/3 -5, बस हमने उसको लिख दिया है एम घटा के। अब इसको सॉल्व करिए, एक अब देखिए ये 7/7 कट गया, 3 से ये कटा 2 बार, तो 1 + 2 - 5 5 1 2 2 1 3 -5 कितना हो गया आंसर, -2 है, -2। तो एक मिनट, 3 - 5 है ना, एम का माइनस है, 3 में से माइनस गया तो -2 नहीं आया, तो क्या गलत है क्या, एक बार देखिए चेक करिए, 3 3 3 के 9 यहां देखिए 3 आएगा, 3 3 के 9 3 आएगा, तो अब 3 1 4 तो -1। ओके, ऐसे ही अगर आप भी गड़बड़ होता है कभी कोई तो सही बार चेक कर लीजिए, अगर कभी नहीं आता है तो आप क्या करिए, फिर इसको मिटा के करना पड़ता है तो आंसर आ जाता है, कभी होता नहीं तो इसको क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकलिए, फिर बाद में लास्ट समय इसको करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, कछुआ बत्तख व्हेल कौवा। तो लड़के से बहुत कंफ्यूज होके जो आप लोग भी सोच रहे हैं होंगे कि इसका आंसर डी कौवा दिया जाए, क्योंकि कौवा तो उड़ता है आकाश में और सब तो जमीन पानी में ऐसे चलने वाले हैं। तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये लिख लिया था, और ये कहा है स्तनधारी वेल, इसका ऑप्शन दिया है वेल, स्तनधारी वेल मछली, वेल जो है एक स्तनधारी है, इसलिए इसका ऑप्शन और सब लोग देने वाले, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बी वाहन है आर की,
हमें बताया था कि जो फीमेल होगा उसको ऐसे करेंगे, जो मेल होगा उसको ऐसे बनाएंगे, पति पत्नी होंगे तो उनको ऐसे ऊपर करेंगे, भाई बहन होंगे तो ऐसे करेंगे, अगर इनके कोई पिता है तो इसको ऊपर एक जनरेशन ऊपर कर लेते हैं, अगर इनका कोई पुत्र होता है तो एक जनरेशन नीचे आ जाते हैं, इस तरह से। तो बी बहन बहन है आर की, तो कह रहा है बी क्या है, बहन है, किसकी है, आर की है। एम भाई है आर का, एम भाई है, एम भाई है आर का। डी माता है आर की, डी क्या है, माता है, माता मतलब ये सकर्म कर देंगे आर की। एच पति है डी का, एच पति है, हमें पति के लिए इक्वल रखेंगे, एच पति है आर का। तो पूछ रहा है एच के कितने बच्चे हैं, तो एच के देखिए ये माता है मतलब इनके पिता हो गए, तो एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, टोटल तीन बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, आप जरूर इसको करके जाइए, थोड़ा प्रैक्टिस रहे तो समय बचेगा, और अभी जो ये क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इसको भी आप करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए हमें पूछ क्या रहा है, एम आई एन ई आर एल का कोड दे रखा है, साउंड का दे रखा है, हमसे रीडर का कोड पूछ रहा है, तो आप एग्जाम में बस रीडर लीजिए, पूरा मत लिखिए, आर ई डी ई आर। अब देखिए उसमें किसमें इसका अच्छा किसमें मिल रहा है, तो इसमें देखिए दो हमें आर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, मैं लिख ही देता हूँ आपको, एम आई एन ई आर ए एल, इसको क्या क्यू यू क्यू, किसी का आंसर आया तो जवाब दें, और साउंड को हम किसी प्रकार से कर रहे हैं, ए बी सी एस डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दो का दिया है, इसका पढ़िए इसका पढ़िए, तो इसका आंसर पूछा हो, तो पहले चेक यही करते हैं कि ये कोई कॉमन तो नहीं, अगर इसमें देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, आर कोई किसी में है क्या, तो आर यहां दिख रहा है, देखिए आर यहां दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, डी भी यहां दिख रहा है, ई भी यहां है, आर यहां है, तो इन्हीं अक्षरों को लिख देना चाहिए, जब ऐसे का टोटल मिल जाए तो लिख दीजिए, यही आंसर मिल जाएगा, आर का कोड यू। देखिए आप एक से ही आंसर दे सकते हैं, इसको देखेंगे तो बी देखिए एक ही में आ रहा है, तो इससे ऑप्शन बी भी हो जाए, बी सही हो जाएगा, पर आगे भी आप चेक कर लीजिए, ई के स्थान पर क्या लिखा है, टी लिखा है, ए के स्थान पर क्या लिखा है, बी लिखा है, डी के स्थान पर क्या लिखा है, डी लिखा है, ई के स्थान पर क्या लिखा है, ई चौथे पर है, टी लिखा है, और आर के स्थान पर क्या है, यू है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ऐसे जब दो दिया रहे तो आप इसको तीसरे में इसका देखिए डायरेक्ट तो नहीं है, तो डायरेक्ट दिया रहता है, डायरेक्ट दिया रहता है, तो आप डायरेक्ट उसका कोड खोज के आप लिख दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बटन पेन कमीज, अगर हमारा कमीज है तो कमीज में ही बटन होते हैं, कमीज में ही बटन होते हैं, और पर पेन क्या है, पेन तो अलग चीज है, लिखने वाली चीज है, ये तो कपड़े में है नहीं, तो पेन अलग हो गया, तो इस तरह से कौन सा बन रहा है, देखिए आपका ए भी लिया है, तो कमीज का क्या है, सी है, तो ये कमीज को सी से, बटन को ए से, और पेन को डी से, तो इस तरह से ऑप्शन डी भी मिल रहा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, कह रहा पांच सत्ताईस इकसठ 122, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए क्योंकि टाइम लग सकता है, 340 509, कह रहा है कौन सी इसमें गलत है, तो अब इसको करने के लिए देखिए क्या सोच सकते हैं, इसमें पांच आ रहा है, 27 आ रहा है, 61 आ रहा है, 122, अगर ये प्रैक्टिस का चीज है, पहली बार में नहीं आता है किसी को, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस रहेगा तो कल दिख जाता है कि ये 27 61 संख्या में गैप ज्यादा ज्यादा है, तो ये कुछ क्यू के अंदर में दिख रहा है, अगर हम तीन का क्यू जानते कितने होते हैं, 27 होता है, अगर चार का क्यू देखते हैं कितना होता है, 64 होता है, पांच का क्यू देखते हैं 125 होता है, छह का क्यू देखते हैं तो 216 होता है, सात का क्यू देखते हैं तो 343 होता है, छह का क्यू देखते हैं तो 512 होता है, छह नहीं आठ का क्यू, आठ का क्यू 512 होता है, और एक का दो का क्यू 8 होता है, तो देखिए सब में से अगर तीन घटा देते हैं, तीन घटा देते हैं, इसे देखिए तीन घटाएं तो नहीं 27 तो आ गया, तो इस सब में से तीन घटाने पर आंसर आ रहा है, देखिए तीन घटाने पर आंसर आ जा रहा है, 343 होता है इसका, 343 तीन घटाएंगे तो 340, इसका 512 होता है, तीन घटाएंगे 500 दिया ना, 512 से जब तीन घटाएंगे तो 509 आ जाएगा, और ये तो चौके 8 माइनस 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, पर इसमें देखिए इसमें तो सीधे क्यू का ही मान है, तो इस तरह ये आप 27 जो गलत है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन तीन चार दो तीन तो आते हैं, दो तो आपके एग्जाम में आएंगे ही, और एबीसीडी से भी दो एक दो हो सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 535 सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आएंगे, अब पूछ रहा है ऐसे ही अगले में क्या बनेगा, तो इसलिए सीधे से दिख रहा है, पांच में गुणा करेंगे सात का, पांच सात 35, ऐसे किसी को गुणा करने में आ रहा है,
ये 11 11 55 आ रहा है, साथ में 11 को पूरा करना पड़ रहा है, 324 945 कोई नहीं आ रहा है, कुछ और सोचिए। 5 है और 7 है, नेक्स्ट संख्या से गुणा कर रहे हैं, 5 और 7 वो दोनों अभाज्य संख्या है। 11 में हम क्या नेक्स्ट संख्या गुणा करेंगे, 13 का गुणा करेंगे, नहीं आएगा। 7 में भी ऑप्शन देखिए, 7 में अगर नेक्स्ट अभाज्य 7 के बाद कौन होती है, 9 नहीं होती है क्योंकि 9 कटता है, 11 से जब गुणा करेंगे तो ये 77 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब 3 में अगर नेक्स्ट होता है अभाज्य 5, सी को देखिए तो 15 हो जाता है, ये नहीं सही होगा, 9 बचे 45, ये बी वाला ऑप्शन सही है। 9 और 9 तो खुद ही अभाज्य संख्या नहीं, अगर मान लीजिए नहीं दिया नेक्स्ट से करेंगे तो 11 और 99 तो वो भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर बी जो 7 दिया है और इसका नेक्स्ट अभाज्य क्या है 11, तो इनको गुणा करने पर 77 आ रहा है, इसमें भी यही था, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। आइए त्रिभुज, त्रिभुज को जोड़ेंगे और बताएंगे कितने त्रिभुज हैं, इसको जोड़ के कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए मैथ रीजनिंग डेली प्रैक्टिस की है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां फिर आप जाकर एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे और उसी क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता है। पहले ऐसे और ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले या तो ऐसे मिला करिए तो उसमें बहुत टाइम का, ऐसे गिन दीजिए, टेक्निक है 1 2 3 4 5 6 और जितना नंबर आता है 6 नंबर आया इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 6 दुना 12, तो इसका आंसर 12 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है कि उस अक्षर का संयोजन कीजिए, मतलब एक सीरीज है, ऐसे कई आते रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सीरीज में रहते हैं, ए बी सी डी करके रहता है, तो ये कह रहा है कि उस अक्षर का चयन कीजिए जिसमें अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। इसमें देखिए क्या दिया है, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसका आंसर दीजिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि इसे लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई, ऐसे टाइप में क्या होता है कि आपको पहले क्वेश्चन लिख ही लेना चाहिए और गिनना चाहिए कि टोटल कितने संख्या कितने अक्षर हैं, तो फिर 2 खाली है, फिर ए बी बी सी डी डबल ए डबल बी फिर डबल ई है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका अक्षर गिनते हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हमारा टोटल कितना आया, 24 अक्षर आए। तो अगर 24 अक्षर है तो इसमें आप क्या करते हैं कि दो फैक्टर में तोड़ देते हैं, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 × 8 हो जाएगा या 8 × 3 हो जाएगा, तो अब इसको हम ऐसे करके 3 और 8 के भाग में ऐसे क्रम में बांटेंगे। अब देखिए इसमें हम 3 में बांटे या 8 में बांटे हैं, तो इसमें देखिए बी सी डी ई ए टोटल तो 5 अक्षर दिख ही रहे हैं, तो हम 3 में न बांटकर इसे 8 के समूह में बांटेंगे। इसको आप करने के लिए तो इसको देख लीजिए, ऐसे हम खींच देते हैं, ऐसे आप ड्रा कर दीजिए, ये 3 हो गया, 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी देख लीजिए 4 4 8 हो गया। अब इस तरह से पहले पहला इस ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे, फिर और सॉल्व कैसे करें आगे को, अब इसमें आप पकड़ेंगे कि देखिए यहाँ पर ए डबल बी है, फिर तो अब देखिए ए के बाद डबल बी आएगा, तो ए के बाद डबल बी फिर सी डी, तो यहाँ पर डबल बी कर लेते हैं, यहाँ पर ए कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इससे भर लिए, यहाँ भी देखिए डबल ए डबल बी है, फिर देखिए यहाँ पर डबल बी के बाद क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है, यहाँ पर देखिए सी डी है ना, तो यहाँ पर सी डी भर दीजिए, और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, डी ई के बाद ई के बाद ई आ रहा है, तो यहाँ भी एक ई कर दीजिए, और देखिए ए इसके पहले क्या आ रहा है, ए यहाँ पर देखिए डबल ए आ रहा है, यहाँ भी डबल ए आ रहा है, तो आप डबल ए कर दीजिए, फिर देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, डबल ई आ रहा है, तो यहाँ पर डबल ई, ये अपने से सीक्वेंस फॉलो हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है कि आंसर आ गया ए बी ई ए डबल ई सी डी, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ए बी ई ए डबल ई सी डी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये पहला, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जब सीरीज में आएंगे पहले उसे फैक्टर में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको समूह में विभाजित कर लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि जैसे बीबी अगर बन रहा है तो यहाँ बीबी रखकर ऐसे ए करके ऐसे सीक्वेंस बनाकर इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़के छोड़ देते हैं इसको, तो आप पहला टाइप ये मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। आगे अगर फिर हम देखेंगे तो अगले भी सेट में ऐसे क्वेश्चन एक दो और लेंगे, अब अलग टाइप के क्वेश्चन एक दूसरा देखते हैं।
एक कह रहा, ये दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार तिनका को घोसला से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार कपास किससे संबंधित होगा? तो तिनका से हम क्या बनाते हैं? तिनका से ही हम घोसला बनाते हैं। तो कपास से हम क्या बनाएंगे? ऑप्शन दिया है धागा, सिलाई, ऊन, कपड़ा उद्योग। देखिए कपास से हम धागा बनाते हैं, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन, दूसरे का ऑप्शन ए हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन को भी मैं इसको मिटा लेता हूं। ये भी एक तीसरा डाई का है। हम जितने भी क्वेश्चन लिए अलग अलग टाइप के लिए हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर रिवीजन करना ही है। इसमें दिया है क्वेश्चन, ऐसे एक डायग्राम दे रखा है, आप देख लीजिए, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो अब इसमें देखिए, इसको इसके साथ लेते हैं, एक छोड़ लेते हैं, इसको इसको इसके साथ ले लिए, इसको इसके साथ मिला लिए, जैसे, और इसको हम इसके साथ मिलाते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए दो नंबर दिया हुआ है, तो दो को मिलाएंगे किससे मिलेगा? पांच से मिलेगा, मतलब दो के अपोजिट क्या होगा? पांच होगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है? चार बिंदु, चार बिंदु कहां पर है? चार बिंदु यहां पर है, इसके अपोजिट पूछ रहा है। तो इसके अपोजिट जो यहां पर है, यहां पर कितने बिंदु दिख रहे हैं? छह बिंदु दिख रहे हैं, यही इनका आंसर हो गया। तो इस तरह के जो भी डाई का क्वेश्चन, ये ओपन डाई का क्वेश्चन कहलाता है। अगर इसमें हम देखते हैं कि ये जो ये वाला, हमेशा देखिए ये वाला इसके अपोजिट होगा एक छोड़ के, और दूसरा ये इसके अपोजिट होगा, और ये लास्ट वाला इसके अपोजिट होगा। तो यहां पर पूछा है चार का विपरीत कौन सा है, तो चार के विपरीत ये वाला ऑप्शन पर छह आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर देखते हैं, ये डाई के रिलेशन से, डाई से रिलेटेड था क्वेश्चन। अब हम लोग ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का मैं एक कुछ आपको मूलभूत चीज बता रहे हैं, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जैसे हम क्वेश्चन सारे बनाएंगे, अगर कोई फीमेल कहता है तो उसको हम गोले से दिखाएंगे, अगर मेल कहता है तो हम उसको एक बॉक्स से दिखाएंगे। ये हो गया फीमेल का, हो गया ये किसका, हो गया मेल का हो गया। अगर ये शादीशुदा लोग हैं तो हम इसको किससे दिखाएंगे? इनके बीच बराबर कर देंगे। अगर ये शादीशुदा, ये पत्नी हो गई तो ये हस्बैंड हो गए। अगर यही भाई बहन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन और आसानी से बन जाएगा। अगर ये फीमेल ये है और ये भाई है मेल, अगर मेल ये भाई है तो इसको एक लाइन से दिखाएंगे। जैसे आप जानते भी हैं कि पति पत्नी में क्या होता है, बराबर होना चाहिए, तो इस तरह से आप करके याद कर लीजिए कि हमें जब पत्नी और उसका पुरुष है, हस्बैंड है, तो इनको बराबर से दिखाएंगे। जब भाई बहन है तो ये भाई बहन का हो गया, ये बहन है तो ये भाई है। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे इसको करते हैं सब। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? खिरदा ने कहा, खिरदा कहती है, पहले ऐसे लिख लीजिए आराम से, करिए इसको सुन करिए। खिरदा ने कहा कि वो अपनी माँ, अपनी माँ, खिरदा की मतलब, खिरदा कह रही कि मेरी माँ, अपनी माँ, तो इनकी माँ हो गई। माँ को हमने किसे दिखाएंगे? फीमेल को सर्कल से दिखाएंगे। अपनी माँ के भाई, अब इसका भाई तो हमने बताया कि भाई को क्या दिखाएंगे? एक चिन्ह रख लेंगे और ऐसे कर लेंगे, अपने भाई के बेटे, कह रहा है अपनी माँ के भाई के बेटे, इनका एक बेटा है के माँ। अब देखिए यहां पर माँ कह रहा है, तो इसको करके हम क्या कर लेंगे? इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे, बेटे की माँ, तो ये बेटे के पिताजी हो गए, और पिताजी और माँ कौन सी होंगी? ये माँ हो जाएंगी। तो माँ के ससुर से मिली, मतलब माँ ये है तो इनका ससुर कौन हो सकता है? मतलब जो पिता, इनके जो है पिताजी, यही इनके ससुर होंगे। तो पूछ रहा है कि खिरदा वह किससे मिली? तो खिरदा पूछ रहा किससे मिली, देखिए खिरदा किससे मिल रही है, तो ये मिल रही है अपनी माँ के पिताजी से। तो माँ के पिताजी क्या कहलाएंगे? नाना जी कहलाएंगे। ये किससे मिल रही है? नाना जी से मिल रही है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए दिया है, ए है नाना जी। तो ये हो गया, इस तरह से ब्लड रिलेशन करना है। आपको ध्यान रखना है कि फीमेल को हम सर्कल से दिखाएंगे, मेल को ऐसे दिखाएंगे, रेक्टेंगल बॉक्स से दिखाएंगे। अगर पति पत्नी है तो इनके बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे, अगर भाई बहन है तो इनके बीच में एक चिन्ह देंगे। अगर एक जनरेशन का गैप है, देखिए एक जनरेशन गैप है, यहां पर अगर ये है तो इनके पिताजी ये होंगे, इनके पिताजी ये होंगे, तो एक जनरेशन गैप को हम ऊपर करते हैं, ऐसे ऊपर करेंगे। इसका भी हम ब्लड रिलेशन का और क्वेश्चन बाद में कराएंगे आपको, अभी ये एग्जाम की दृष्टि से आप लोग इसको रिविजन कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कोडिंग का आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी जो अभी जेई का हुआ था इसमें क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दिए थे। हैम्पर का कोड दे रखा है 17, 21, 23, 22, 0, 36। ऐसे दूसरे का भी दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, जिसमें हैम्पर और इंसर्ट का भी दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है सेफ्टी का कोड बताइए, SAFETY का कोड बताइए। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए मिलाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हमने टफ उठाया है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सब लोग बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और आता भी है ऐसा क्वेश्चन, अगर टफ बनाता है तो ऐसे पूछता है, तो थोड़ा सा टफ है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या किया है ना, पहले जो इस अक्षर का देखेंगे तो ये जनरली कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है, तो इसमें इसको दो का मल्टीप्लाई कर दिया है, जो भी विषम सम संख्या उसमें दो का मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसमें भी देखिए दो की मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसमें सम विषम वाले में इसमें क्या 25 में से घटाया है, तो ए का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए का देखिए नंबर क्या होता है, ए का होता है एक, एक में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दो आ गया। वैसे पी का क्या होता है, 16 होता है, 16 में अगर दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आया। आर का कितना होता है, 18 होता है, 18 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो का तो 36 आ गया, तो हमारा ये मिल गया। अब देखिए जो विषम संख्या है इसके लिए क्या है, एच कितना है, एच का मान होता है 8। अगर अंग्रेजी में ABCD जब देखेंगे तो इसका 8 होता है, तो 8 को जब हम करेंगे तो इसमें से क्या किया है ना, इसमें से 25 में से अगर 8 को घटाते हैं 17 कैसे आ सकता है, 25 में से अगर 8 घटा देते हैं, 8 माइनस करते हैं तो 17 आ गया। तो अब यहां भी देखिए क्या माइनस क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पर क्या आ रहा है, ये है आपका m की वैल्यू होती है 13 होती है, हम इसको आपको बाद में याद भी कराएंगे कैसे इसको याद करते हैं, जैसे हमें याद है थोड़ा वैसे आपको भी याद कराएंगे। तो m की वैल्यू होती है 13, और अगर इसको 25 में से माइनस करेंगे तो देखिए ये 12 आ गया, और वैसे इसकी e का मान होता है 5, अगर ये 25 में से माइनस करेंगे तो 20 आ गया। तो वैसे इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कि यही सिक्वेंस फॉलो कर रहा है। अब देखिए सेफ्टी का क्या मान होगा, तो हमने देखा कि विषम में से क्या किए हैं, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दिया है, ए का कितना है, ए का मान 1 होता है, ई का मान 5 होता है, वाई का मान कितना होता है, 25 होता है। तो ए के स्थान पर आ गया 2, 5 के स्थान पर आ गया 10, इसके स्थान पर 25 के स्थान पर 50। अब इसको 25 में से माइनस किया है, एस का मान होता है 19, तो 25 में से जब 19 माइनस करेंगे कितना होगा, 6 हो गया, इसका देखिए 6 होता है एफ का मान, अगर ये 25 में से जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और ये देखिए टी का मान होता है 20, अगर ये 25 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया, ये देखिए आंसर किसमें मिल रहा है, 6, 21, 19, 10, 550, ये ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 12 संबंधित है, ये 150 है, समान अनुपात दे देता है, 14 किससे रिलेटेड है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 12 को सोचिए, 12 × 12 जब करते हैं तो 12 × 144 हो गया, अब 150 कैसे आएगा, 12 का जब आधा जोड़ देंगे, आधा 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 150 आ गया। तो वैसे ही 14 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 196 आता है। फिर इसमें 14 का आधा कितना होता है, 7, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 203 आएगा, 6, 7, 13, 9, 1, 10, 203। देखिए ये कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से भी सीरीज के क्वेश्चन ऐसे दे देता है करने के, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए एक ABCD के आधार देता है कि एक डिक्शनरी में अपना ये रहता है, आप देखिए उस पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिक्शनरी के आधार पर बताना पड़ता है कि पहले कौन सा अक्षर होगा उसके बाद कौन सा आएगा डिक्शनरी में। तो इसमें देखिए एम्स तो सब में है, फिर अब देखिए इससे छोटा अक्षर किसमें है, एक है ओ, ओ यू से छोटा है तो ओ वाले को लेंगे, तो ओ वाला किसमें है, देखिए दो में ओ है, एक जो दूसरा और चौथे में ओ दिया है, ठीक है ओ तो मिल गया। फिर देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, फिर देखिए ई है और इसमें आई दिया है, तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन होगा, दो होगा, फिर कौन होगा, चार होगा। अब देखिए ओ तक तो आया, फिर अब तीसरा क्वेश्चन यू, अब इसको देखते हैं, अब डिक्शनरी में कौन आएगा, एम के बाद यू आ जाएगा,
देखिए यू वाले कितने हैं, यू वाले दो हैं, एक पहला है, एक तीसरा है, एक पांचवा है, तीन है, तो एम यू तो हो गया। अब इसमें देखिए एल है, इसमें भी एल है, और पांचवे में टी है, तो इसमें देखिए एल टी आई इसमें भी है, एफ है, तो एक एक जो आया इससे पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए टी आई एफ है, इसमें एन दिया है, तीसरे में एन दे दिया है, पर पहले में क्या है, पहले में एफ है, तो इसलिए पहला ये आ गया, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद पांचवा आ जाएगा, क्योंकि इसमें यम यू टी दिया है। तो ये ऑप्शन देखिए किससे मैच कर रहा है, दो चार एक तीन पांच, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मतलब ये क्वेश्चन यही पूछ कह रहा है कि डिक्शनरी में अगर सीक्वेंस में जैसे ए बी सी डी से होता है, ए बी यू एस ई है, फिर ए डी वी ऐसे है, तो देखिए बी के बाद ये दूसरे स्थान पर होता है, तो वही इस क्वेश्चन ने कहा कि डिक्शनरी में कौन सबसे पहले होगा, उसके बाद कौन सा होगा, कौन सा होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक दर्पण का कंसेप्ट है कि जो चीज दूर होगी वो पास दिखेगी, पास वाली दूर दिखेगी। तो आप देखिए इसमें क्या ऐसे बनाया है, ये ऐसे है, फिर इसको ऐसे हैचिंग किया है, ऐसे 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 हैचिंग किया है, यहां पर एन दे रखा है, और ये ऐसे सर्कल दिया है ऐसे, और यहां पर हमारा दर्पण लगा दिया है। तो अब देखिए इसमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका दर्पण हमने बोला कि जो पास होगा वो दूर दिखेगा, दूर वाला पास दिखेगा, तो अब इसमें जो एन देखिए पास है ऐसे, पहले देखिए ये तो पूरा दिखेगा दर्पण में ऐसे, अपना ये ऐसे पूरा दर्पण में दिखेगा। अब अगला, अब देखिए ये वाला जो है दूर वाला, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। पहले देखिए ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये दूर है तो ये पास में आ गया, और ये पास है तो दूर चला गया, अगर इधर से देख रहे हैं तो ये हो गया। फिर अब देखिए ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर का इधर आ जाएगा, पास में आ जाएगा। अब देखिए ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी ऐसे, ऐसे हो जाएगी। अब एन को पकड़िए, एन कैसे आएगा, पहले इसको देख लीजिए, हमने बोला कि ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो ये लाइन आपने इसको कर लीजिए ऐसे। तो ऑप्शन देखिए इस तरह से, अगर कुछ इतने पे मिल जा रहा है तो ऐसे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह से कौन सा आ रहा है, और इसको भी आप कर दीजिए, ये ऐसे होगा। तो इस तरह से ऑप्शन में कोई मिला, ये बी है, और यहां पर एक क्वेश्चन में त्रिभुज भी दे रखा है, ऐसे त्रिभुज दे रखा है, तो ये त्रिभुज कहां चला जाएगा, ये त्रिभुज आपका आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ऐसे, और ये एन। अब देखिए एन अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे एन बनेगा, ये ऐसे 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 बनेगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये इधर मिल रहा है, फिर ये दिख रहा है, ये ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें दर्पण में उल्टा बना, जो पास होगा वो दूर बनेगा, अभी मैंने दिखाया, तो ऐसे और क्वेश्चन बाद में लेंगे, आज इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सारे क्वेश्चन में जितने भी करा रहे हैं वो अलग अलग टाइप के हैं क्वेश्चन, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक, इसमें जो दिया है ऐसे ऐसे जो दिया दे रखा है, तो इसमें देखिए अब लास्ट के ऑप्शन को देखिए, तो इसमें एक जो ऐसे है अर्धवृत्ताकार, एक ऐसे है, तो इसी को पकड़ लीजिए। देखिए ये सब में ऐसे ऐसे है, पर इसके सामने वाला देखिए पहले दो था फिर एक हो गया, तो अब इस बार क्या होगा, इसको एकदम गायब हो जाएगा, और ये जा किधर आया, देखिए पीछे पहले एक था फिर यहाँ पर दो हो गया, तो अब ये नीचे आके तीन हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर दो था तो अब ये तीन हो जाएगा, इस तरह तीन हो जाएगा, और ये ऐसे बना रहेगा। तो इस तरह के ऑप्शन किस में दिख रहे हैं, ये डी में दिख रहे हैं। तो इस तरह इसका आंसर, अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि ये जो आगे वाला है उसको पीछे कर देते हैं और ऐसे आगे बढ़ता जाता है, इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कागज को फोल्डिंग करके उसको जब कट करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। इसका आंसर दीजिए अगर आपको आ गया हो तो। देखिए इसमें क्या है, ऐसे कागज है, फिर इस कागज को क्या कर रहा है, यहां से फोल्ड कर दे रहा है, ऐसे इसको फोल्ड कर दे रहा है, और दूसरे कागज को भी ऐसे फोल्ड कर दे रहा है,
फिर इस कागज को ऐसे बीच से फोल्ड कर दे रहा है, फिर क्या कह रहा है कि हम यहां पर कट मार देते हैं, ऐसे कागज को काट ले रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो वही दर्पण वाला अपना कंसेप्ट फॉलो करेंगे। यहां पर ये कट लगाया है तो अब जब इसको खोलेंगे ना तो ये जब ऐसे मुड़ा है तो यहां पर भी क्या जाएगा, इसको मैं निराश कर देता हूं, यहां पर भी ये आ जाएगा, एक वृत्त आ जाएगा, फिर यहां पर भी क्या जाएगा, ये बंद किया है तो ये सर्कल यहां पर भी आ जाएगा, फिर अब देखिए इसको जब और ओपन करेंगे तो एक यहां आएगा एक यहां जाएगा। अब ये तो क्लोज हुआ था तो ये वाला पोर्शन तो यही तक था तो इधर नहीं आएगा, तो इस तरह से कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? और ये वाला जो कट है ये वाला कट ऐसे हो जाएगा, एक इधर कट हो जाएगा ये इधर कट हो जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन इसका कौन सा दिख रहा है? डी दिख रहा है। और ये जब फोल्ड करेंगे तो ये कटेगा तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी है, ये ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। तो इसमें दर्पण वाले पहला क्वेश्चन है 8F, हम जो पिछले वाले क्लास में भी दर्पण का क्वेश्चन आप लोगों के साथ लिए थे उसमें बताए थे, तो देखिए ऐसे ये दर्पण यहाँ पर दिया है MN। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो आप इसको बनाने के हमने बताया था कि दूर वाला दूर बनता है, इधर से जब देखेंगे तो ऐसे बनेगा, नहीं तो आप एक दूसरा मेथड है, आप इसको ही सामने से ऐसे कर दीजिए पी, ये ऐसे हो जाएगा डब्लू, ये एम, ये ऐसे आएगा एफ आठ, ऐसे देखिए ऐसे किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये मिल रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं, या दूसरा हमने बोला कि दूर वाला दूर होगा और पास वाला दूर होगा, जैसे देखिए पास वाला था, अगर इधर से हम देखते हैं तो हमारा इधर से देखते हैं तो ये जो यहां पर था वो कहां गया, यहां पर आ गया, इतना दूर बन गया, और जो इतना दूर था वो इसके पास में आ गया, तो वही बोले कि जो पास वाला होगा वो दूर बन गया और जो दूर वाला है वो पास बन गया। तो इस तरह से आती है, सीधे ऐसे करके अपोजिट करते जाइए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3:65 है, फिर 5 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और ये 4:126 है, और यहाँ पर पूछा है क्या आएगा संख्या। तो देखिए इसमें सोचिए कि 3 का क्या करें कि इसमें 65 आ जाए, अगर 3 में हम कुछ करते हैं स्क्वायर करें तो भी नहीं आएगा, एक जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा, 3×4 = 16, तो स्क्वायर में भी नहीं आ रहा, 4×1 का क्यूब कर दीजिए तो 3×4 हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, फिर क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ेंगे तब जाके ये 65 आएगा। तो इस तरह से अब इसमें भी देखिए रूल लग जा रहा है, 4 में जब 1 जोड़ते हैं और 3 का क्यूब करते हैं, 4×5 का क्यूब कितना हो गया 125 + 1 = 126, तो मतलब ये हमारा रूल सही है। तो इसमें 5 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे फिर इसका क्यूब निकालेंगे फिर प्लस 1 जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 5×6 = 6 क्यूब + 1 216 + 1, आप लोग का हो गया तो कमेंट में आंसर देते जाइए 217। देखिए ऑप्शन कौन सा है 217, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देखिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए हमें टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ए, इसमें का बहुत क्वेश्चन आता है, को हम वाई एक्स पी लिखते हैं और मिक्सचर एम आई एक्स पी, मिक्सचर को किसे लिखा जा रहा है NO(a)ii। तो सोचिए अगर बी को हम कैसे वाई आ जाए, तो ये बी 2 है और वाई 25 है, मतलब इन दोनों का योग आ रहा है 27, मतलब ये इसके अपोजिट है, और ए ई ये इसका अपोजिट नहीं है, सी और एक्स, ये सी 3 पर आता है और एक्स किस पर आ रहा है 24 नंबर पर आ रहा है, तो ये भी 27 हो जा रहा है, के किस नंबर पर 11 पर, ये किस नंबर पर आ रहा है पी 16 पर, ये भी 27 आ जा रहा है पर ये 27 नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए एक ट्रिक बन रहा है कि ए और ई ये दोनों स्वर है पर ए के बाद अगला स्वर क्या आता है, ई आता है, तो इस तरह से ई बन गया। तो हमें जितना भी स्वर है उसका अगला स्वर देखिए है आई के बाद वो स्वर आता है, यू के बाद कौन सा आता है, फिर जेड तो कोई स्वर नहीं आएगा, फिर ए आता है, ई के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, आई आ रहा है, तो इस तरह से हमारा बन गया। तो अब इसमें जोड़ दीजिए, देखिए इसका अपोजिट है, ये इसका होता 13 फिर इसका होगा 14, 27 हो गया, इसका एक्स का 24 है, मतलब देखिए इसमें 3 जोड़ेंगे 27, तो टोटल मतलब ये इसका अपोजिट आ रहा है, 18 में जोड़ेंगे 9 तो ये भी 27 आ जा रहा है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ एफ आर ओ जी एस, देखिए ओ का क्या अगला क्या होगा, यू होगा, अगर आपके पास समय कम है तो आप डायरेक्ट स्वर को पकड़िए फिर आंसर देखिए आगे करिए। एफ का क्या होगा, एफ का 6 होता है, 6 में क्या जोड़ेंगे 27 आएगा, तो 19×6 = 27 होता है, एस कर देते हैं, एस होता है 19, और R होता है 18, 18 में क्या जोड़ेंगे, I जोड़ेगा 18, I का होता है 9 तो ये हो जाएगा 27, फिर G में क्या जोड़ेंगे, G का होता है 7 तो इसमें T का होता है 20 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, S क्या होता है 19 होता है, 19 में क्या जोड़ेंगे 27 आ जाए, 8 जोड़ेंगे, 8 होता है H का, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए ये कोई ऑप्शन आ रहा है S 19×8=27, ओके 19×8=27,
यहाँ पर छह है ना, तो क्या जोड़ेंगे 27 आएगा, यू कर देंगे 21 आएगा, कोई 21 से 27 हो जाएगा, 18 हो गया यू आई यू, फिर टी 27, एच 8 और 19, 19 आठ 27, देखिए ये कोई ऑप्शन है यू आई यू टी एच, ऑप्शन नंबर ए है ये, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4, 3, 73 ऐसा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में से आपस में वही संबंध है जो इस संख्या से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपस में रिलेशन बना रहा है, वैसा ऑप्शन में भी खोजना है आपको, तो इसमें सोचिए ये क्या करेंगे, 4, 3 को आपस में जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करते तो देखिए क्या आता है, 4 चौके 16, 3 के 9 तो भी नहीं आएगा, इसका क्यू कर दीजिए, यही दिमाग लगाना पड़ता है, और 3 का 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, अगर 3 का क्यू करेंगे तो 27 जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, इसका स्क्वायर ही रख दीजिए, तो कितना हो गया ये 9 हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया ये 73 आ गया, तो मतलब इसका क्यू पहले वाले का क्यू करना है, दूसरे का स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब इसमें देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन 5 है 4 है फिर 141 है, तो 5 का क्यू कितना होता है 125 हो गया, 4 का स्क्वायर 64 हो गया, जोड़िए 5 9 6 2 8 यहां पर है 5 9 6 2 8 और 1, तो ये नहीं आ रहा है, 5 का देखते हैं बी का ऑप्शन 5 7 और 302, 5 का क्यू करिए और 7 का स्क्वायर करिए, 5 25 5 125 फिर 7 7 49 कितना आया 9 5 14, इससे तो पहले ही डिजिट से नहीं आ रहा है सर। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, अगर तुरंत ना बढ़ेगा आपको इस क्वेश्चन को छोड़ दिया करिए, 230 6 का क्यू करते हैं तो कितना हो गया 216 आ गया, और इसका स्क्वायर जब करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 4 आया, तो अभी नहीं बना, अभी 7 का स्क्वायर 7 का क्यू प्लस 5 का स्क्वायर देखिए सर कितना आ रहा है, इसका क्यू होता है 343 होता है और इसका 25 होता है, तब भी 5 3 8 नहीं आ रहा है, हमने या तो कहीं गलत किया या कुछ हमारा ट्रिक गलत है। फिर से एक बार देख लेते हैं, पहले में 5 4 111 है, 111 सॉरी यहाँ पर 141 है, ओके अब देखिए इसका 5 4 141 है, 5 का क्यू करिए 125, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16 होता है, हमने यहाँ पर क्यू कर दिया था इसलिए मेरा आंसर गड़बड़ हो रहा था, तो ये गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, इसलिए इसको चेक करिए 5 6 11 2 1 3 1 4 1 141 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से आप अगर पहले से ऑप्शन से आ गया तो ठीक, नहीं तो सारे ऑप्शन को रखकर ऐसे चेक करने पड़ेंगे आपको, इसका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब देखिए कह रहा है कि 3 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है, एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, पहले ऑप्शन में देखिए टी के बाद टी का है 20, 20 के बाद 5 जोड़ेंगे तो वाई आएगा 25 हो जाएगा, मतलब इसमें 5 जोड़ा है, फिर 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 हो जाएगा 26, एक डी आ जाएगा इसमें, फिर डी में 5 जोड़ेंगे तो आई आएगा, तो सब में 5 5 जुड़ रहा है, तो देखिए ये तो पहला तो सब में 5 जुड़ा। अब 11 5 16 16 आप चेक करिए, देखिए के का होता है 11 11 5 16 16 5 21 21 5 26, ये भी आ जा रहा है, इसका सी का देखिए 12 5 17 17 5 22, बी का 22 होता है 22 5 27 27, मतलब ए आ गया, ये भी सही है। डी ऑप्शन चेक करिए, डी में क्या होगा बी, बी का 2 5 7, जी 7 है, फिर 7 5 12 12 5 17 है, और 17 के स्थान 17 का क्यू होता है, पर यहां पर क्या है पी दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है यही ऑप्शन होगा, जो गलत दिया है यही ऑप्शन जाके सही हो जाएगा क्योंकि असंगत पूछ रहा है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आ जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से एबीसीडी जो है ना आपको भी याद करना पड़ेगा, जुबान पर होने चाहिए तभी आपका समय बचेगा, ये प्रैक्टिस से हम याद भी करा सकते हैं, अभी टाइम तो जब मिलेगा तो मैं देखूंगा, ये सारा एबीसीडी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, इधर से कौन होगा, इसका उल्टा क्या होगा, आपको सब याद रखना चाहिए। अब देखिए एक इसका और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें कह रहा है कि उस संख्या का चयन करना है जिसमें तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे से है, दूसरे पद का पहले से है, मतलब ये दोनों जो दे रखा है, पहला और दूसरा जो दे रखा है पी ओ एस टी ई डी टी पी, हमेशा आप यहां ना लिख के एग्जाम में ऐसे लिखा करिए, आपको अच्छा लगेगा टी पी क्यू ई एफ डी। तो अब देखिए इसमें अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे पी का टी है तो थोड़ा सा ये होगा, तो आप सोच सकते हैं पी का टी मतलब 16 4 20 हो रहा है, 15 1 16 हो रहा है, यहाँ तो 4 जुड़ा है, यहाँ पर 1 जुड़ा है, फिर ये क्या हो रहा है ये 19 है, ये घट रहा है, तो ऐसे नहीं, तो आप देखिए ऐसे बने तो ठीक, नहीं तो आप इसको दो भाग में तोड़िए पहले, अब तोड़ के फिर ऐसे देखिए, अक्सर एग्जाम ऐसे रहते हैं ये क्वेश्चन, तो ऐसे सीरीज बना लीजिए,
अगर ऐसे ना पढ़े तो फिर अगला सोचना है। देखिए एस के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ओ में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ 15 होता है 16 हो गया, पी के बाद क्यू आता है, ऐसे डी के बाद ई आता है, टी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ आता है। ऐसे देखिए तीसरे में आप हमारा तीसरा जो क्वेश्चन कहा है सी ओ यू यू के बाद एन टी एस। अब इसको भी दो भाग में तोड़िए, अब यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा, यू का वी होगा, डी का ई होगा और सी का डी होगा, वैसे एस का टी हो गया और टी का यू होगा, एन के बाद ओ आता है। तो ये देखिए वी ई वी ई डी, एक मिनट, ये ओ है, ओ के बाद पी, ये ओ होगा तो ये सब पी होगा, ये ओ है, ओ के बाद पी आएगा, तो वी पी डी वी पी डी टी यू ओ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहा है, ये हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए बन जाएंगे। अब आइए हम लोग कागज फोल्डिंग पर जो आता है क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। ये देखिए कागज दिया है, इसमें क्या किया है, पहले यहां से कट किया है, यहां से मोड़ा है, फिर इसके बाद कागज को फिर ऐसे मोड़ दिया, फिर इस कागज को यहां से फिर मोड़ दे रहा है, फिर क्या कर रहा है, जब इस तरह से बन गया तो ऐसे ऐसे दो होल कर दे रहा है और एक आयत बना दे रहा है। अब पूछ रहा है कि अगर इसको पढ़ने को जब खोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए पहले आप इसको खोलिए एक बार, जब एक बार खोलेंगे तो ये सर्कल यहां बनेगा, दर्पण वाला आपको इसमें काम करेगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये आयत यहां आ जाएगा। अब इसका इसका अब जब इसको खोलेंगे तो इसका इसका दर्पण ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये देखिए ना पूरा दर्पण प्रतिबिंब बनता है, इसमें आपको हेल्प करेगा। तो ये इसका ऑप्शन देखिए कौन से इसमें है, ये ऑप्शन नंबर डी में ये है, तो इस तरह इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक सीरीज है 4, 5, 13, 22, 86, 111। अब पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले देखिए ये बढ़ती हुई संख्याएं हैं, अगर बढ़ती हुई संख्याएं देखिए कितना बढ़ रहा है, पहले ये देखते हैं, एक यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 13, 9, यहाँ 9 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4, और इसमें जब घटाएंगे तो 6, 64 हो जा रहा है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, कुछ स्क्वायर क्यों दिख रहा है आपको, यहाँ 11 में से 6 गया 5, फिर 10 में से 8 गया 2, देखिए कुछ क्यों दिख रहा है, क्यों स्क्वायर दिख रहा है, ये एक का अगर स्क्वायर देखते हैं या और ये 2 का क्यू है, 2 का स्क्वायर है नहीं, और ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यू है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यू है, क्योंकि एक पहले स्क्वायर है फिर एक क्यू है, एक स्क्वायर है फिर एक क्यू है, और ये गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 जा रही है, तो 2 का 6 का क्यू क्या होगा, ये याद कम से किया करिए, 10 तक तो याद ही ना चाहिए, 216 होता है। अब 216 को इसमें जोड़ दीजिए 111 में, 111 प्लस 216 जोड़िए कितना, 6, 1, 7, ये 2 और ये 3, 327, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेन आरिक का है, एक कह रहा है कि शिक्षक है और एक कह रहे हैं स्नातक है, तो ये शिक्षक स्नातक ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, ये देखिए शिक्षक जरूरी नहीं कि वो स्नातक हो, जो इंटरमीडिएट कर लेता है वो भी पढ़ा सकता है, तो जो लोग स्नातक होंगे इसके अंदर आ जाएंगे, जो स्नातक नहीं होंगे वो इधर आ जाएंगे, तो इसको अगर शिक्षक लिखते हैं तो ये स्नातक हो गया, इससे कर देते हैं इसको। और फिर टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कहा, शिक्षक भी खेल सकते हैं, स्नातक भी टेबल टेनिस खेल सकते हैं, और ये दोनों अगर ना हो वो भी खेल सकते हैं, तो ऐसे इसका आगे बनेगा, ये देखिए ऑप्शन इसमें है, ए में है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आइए एक ये देख लेते हैं, फिगर डायग्राम से पूछता है, इसमें दे रखा है, इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग जल्दी से देखिए इसका आंसर कमेंट में कीजिए। आंसर आया, देखिए ऐसा किसमें दिख रहा है, पहले ऑप्शन में देखेंगे तो ये दिख नहीं रहा है, दूसरे ऑप्शन में देखिए तो ये 2, फिर ये दूसरे में देखिए दिख जा रहा है, दूसरे में अगर ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं छोटे वाला, फिर ऐसे मिला रहे हैं, फिर ऐसे मिला रहे हैं, फिर ऐसे मिला रहे हैं, तो दूसरे ऑप्शन में ये दिख जा रहा है, तो ये इस तरह से, और किसी में दिख रहा है, बी सी में तो दिख ही नहीं रहा है, डी में तो किसी तरह से ये नहीं दिख रहा है, इसको रोटेट नहीं करना है, एग्जाम इस तरह क्वेश्चन आते हैं बच्चे जब प्रैक्टिस नहीं होता तो नहीं समझ पाते हैं, इसको रोटेट करके नहीं देखना है, ऐसे ही फिट करना है, तो ये ऑप्शन बी में ऐसे फिट हो जा रहा है साइड पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने से क्या होगा कि आप आराम से एग्जाम में भी कर सकते हैं, अगर यहाँ प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्जाम में आएगा तो आप क्या पूछ रहा है वहां पर नहीं कर पाएंगे। समय बी सी की चाची है, मैंने कहा था कैसे करेंगे, बी सी की चाची है, तो एक मिनट, बी सी की चाची है मतलब सी से एक जनरेशन ऊपर होंगे, परंतु जैसे इनके भाई की पत्नी, ये भाई हो गए इनकी पत्नी, अब यहाँ पर सी आ जाएगा, ये दोनों भाई हैं, इनकी ये पत्नी है, तो बी सी की चाची है, तो सी की चाची ये हो गई, ए बी का पति है, ए कह रहा है किसका पति है, बी का पति है, बी डी की बहन है, बी किसकी बहन है, डी की बहन है, अब डी का जेंडर नहीं दिया है, बी डी की बहन है,
तो तदनुसार ए और डी का क्या रिश्ता है? तो ये देखिए कौन से रिश्ते में आ रही है, ए डी का रिश्ता, चाचा भतीजा जीजा आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है इनके पहन से जो शादी हुई है तो ये जीजा आएंगे। इसका नंबर एक सही होगा, डी सही होगा, जीजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू से छोटा है, पी क्या है, किससे छोटा है, क्यू से छोटा है। फिर क्या कह रहा है, परंतु टी से लंबा है, ये पर पी टी से लंबा है, तो ये आ गया यहाँ पर आर सबसे लंबा है, आर इसमें क्या है सबसे लंबा है, तथा एस पी से छोटा है, एस क्या है पी से छोटा है, एस पी से छोटा है, तो मतलब यहाँ पर आ गया, परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो इससे तो छोटा तो दिख नहीं रहा है, परंतु सबसे छोटा नहीं है, ऊंचाई के घटते क्रम में दूसरा अंतिम अंतिम से दूसरा कौन है, तो कौन आ रहा है, ये देखिए एक क्रम है, तो अंतिम टी है उसके ऊपर दूसरा कौन आ रहा है, एस आ रहा है। ओके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए कौन सा सही होगा बेन, अरे ये शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, अध्यापक हैं, अध्यापक तो बेरोजगार होंगे नहीं क्योंकि उन्हें एक नौकरी मिली हुई है, पर शिक्षित लोग ही, ये जो शिक्षित लोग हैं इसके अंतर्गत अध्यापक बनने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षित लोग सबसे बड़े होंगे, शिक्षित में कुछ लोग अध्यापक होंगे, ये शिक्षित लोग हो गए, कुछ लोग अध्यापक टीचर्स हो गए, और इसमें से बेरोजगार जो होगा, शिक्षित लोग में से बहुत लोग बेरोजगार भी होते हैं, तो ये हो गया, तो ये ऑप्शन ए इस तरह का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रोम को क्या कह रहा है कि मोर है, तो डेयर, पहले हमने कहा था कि देखिए शब्द सेम मिलाइए, ऐसा तो नहीं कि सारा शब्द सेम है, तो देखिए एम भी, जो एम इसमें भी है, ओ इसमें है तो इसमें भी है, आर इसमें है तो इसमें भी है, ई इसमें है तो इसमें है, तो मतलब कि पूरा ऐसे मिल रहा है। तो अब ये देख लीजिए इसके क्रम को बदला गया है, तो एम को जो ये थर्ड वाला था इसको लाके फर्स्ट में रख दिया गया, फिर सेकंड पर ये, फिर आर, तो उसी तरह से यहाँ पर आर ए डी और लास्ट ई का ई ही हो जाएगा, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, आर ए डी ई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए तीन के फलक के विपरीत फलक पूछ रहा है कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि पहले ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप ये देख लीजिए तीन यहाँ पर दिया है तो इसके ये दोनों को मिलाइए, ठीक, एक पाँच कहीं और आता तो, एक पाँच कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये रूल नहीं, अगर एक पाँच आता तो वो जो संख्या बचती वही इसका विपरीत होता, पर ये आपका नहीं बन रहा है। अब आइए फिर से दूसरा देखते हैं, इस वाले में भी नहीं बन रहा है, तो ऐसा एक काम कर सकते हैं कि ये तीन लिख दें, ठीक ना, अब जो जो दिख रहा है तीन इस पर, तीनों पर है, जो जो इस पर दिखेगा वो होगा नहीं उसके विपरीत में, तो देखिए एक दो भी नहीं होंगे और ये तीन भी नहीं होगा और ये चार चार भी नहीं होगा, तो एक तीन और ये पाँच भी नहीं होगा, तो टोटल इतने नहीं है, तो बचा कौन, एक दो पाँच चार हो गया, तो ये छः बचा, तो यहीं इसके विपरीत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। देखिए हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे आए हुए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए बहुत सिंपल है, घबराइएगा नहीं इस क्वेश्चन को देख के। कह रहा है कि तीन घड़ियाँ घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजती हैं, कितने बजती हैं 8 बजती हैं, तीनों घंटियाँ क्रमशः 8 मिनट 10 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो फिर वे सभी कब बजेंगी, तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को जब भी किया जाता है तो इसका लॉसो निकाल देते हैं, 8, 10 और 20 का लॉसो कितना होगा, लॉसो निकालने आता है ना, इस तरह से 2 करेंगे 4 आएगा, तो इस तरह निकालेंगे 5 होगा, ये हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे 2, 5, अब जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, अब देखिए ये 2 हो जाएगा फिर बाद फिर 5 बज जाएगा, 2 के 4 8, 5, 40, इसका लॉसो कितना आ रहा है 40, मतलब ये 8:40 पर बजेगा, पर इस ऑप्शन में तो 8:40 कोई है ही नहीं, तो क्या करिए उसके फिर 40 मिनट अंतराल पर जोड़िए, तो ये हो गया एक तो पहला 10:40 पर बजा, अरे 8:40 पर बजा, तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें फिर 40 मिनट जोड़िए तो कितना हो जाएगा ये, फिर 9:20 पर हो जाएगा, 9:20 पर बजेगा, 9:20 भी ऑप्शन नहीं है, फिर इसमें जोड़िए 40 मिनट तो 10 हो जाएगा, 10 बजे, तो 10 ऑप्शन देखिए ए में दिखा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या किया गया है, ये पी ओ आर है, टी ई आर है, इसको कोडित किया गया है, तो इसमें क्या किया गया सोचिए, पी से अगर 13 होता है तो 3 कम, ये नहीं है, और क्या कर सकते हैं, अगर अगर ये तीन संख्या इधर ले, तीन संख्या इधर ले, तीन तीन का जोड़ा बना के अगर सॉल्व करें तो
अगर दो घटाते हैं ये भी नहीं है, ऐसे रूल सोचना पड़ता है एग्जाम में भी। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 15 16 में से गया 3, नहीं आर 18 होता, 18 में से 5 गया, ये भी नहीं, क्या ये 27 का रूल फॉलो कर रहा है, वो भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखिए ये एक फॉलो कर रहा है, इसमें देखिए आर है, ई है, पी है, ओ है, आर है, टी है, ये संख्या देखिए इसमें भी है, आर इसमें भी है, ई इसमें भी है, पी इसमें भी है, ओ इसमें भी है, टी इसमें भी है, आर इसमें भी है, ये संख्याएं देख रही है, ये संख्या, ये अक्षर और ये अक्षर दोनों में कॉमन मिल रहे हैं अक्षर, तो इसमें भी। अब जिसके स्थान पर देखिए पी के स्थान पर क्या है, पी के स्थान पर एम है, कोडित वाला नहीं होगा, इसमें देखिए पी के स्थान पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो आप इसके पी के स्थान पर आप यहाँ भी एम लिख दीजिए। और फिर देखिए आर के स्थान पर क्या आ रहा है, तीसरा आर देखिए आर के स्थान पर एन आ रहा है, ई के स्थान पर क्या आ रहा है, ई के स्थान पर क्यू आ रहा है, तो एन क्यू लिख दीजिए। ओ के स्थान पर क्या आ रहा है, ओ दूसरे नंबर पर, दूसरे पर यहाँ बी आ रहा है, तो यहाँ बी लिख दीजिए। आर के स्थान पर क्या आ रहा है, आर तीसरे नंबर पर, एन आ रहा है। फिर टी के स्थान पर क्या आ रहा है, देखिए लास्ट से तीसरा जेड आ रहा है, तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, एन क्यू एम बी एन जेड, ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, अगर तुरंत नहीं बन रहा है तो छोड़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर लास्ट में इसको करना है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। एक एक क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, ये आपको सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएगा। टेक तो सबका ठीक ठाक ही होता है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस ऐसे करिए, इसलिए मैं डेली अलग अलग तरह क्वेश्चन ला रहा हूँ। आप देखिए नहीं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस के स्थान पर भाग लिखेंगे, माइनस के स्थान पर गुणा लिखेंगे, भाग के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर माइनस, तो माइनस के स्थान पर क्या लिखना था, गुणा लिखना था, तो हम गुणा करेंगे। भाग के स्थान पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है, गुणे का स्थान पर क्या लिखना है, भाग लिखना है, और प्लस के स्थान पर क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, बोधमस रूल लगाएंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, तो ब्रैकेट सॉल्व करिए, 15 45 प्लस 19 कितना होता है, इसको जोड़ दीजिए ब्रैकेट में, और भागे 8 माइनस 6, तो 9 5 14, 4 1 5 1 6 64 भागे 8, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, भागे 8 माइनस 6, तो 64 भागे 8 का जब करेंगे तो कितना जाएगा, 8 64, ये 8 हो गया माइनस 6 बराबर, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कह रहा है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो ये क्या है, चिन्ह को उलटना है, प्लस जहाँ प्लस माइनस होगा वहाँ प्लस करना है, प्लस के स्थान माइनस करना है, ऐसे इस ऑप्शन में देखिए प्लस वहाँ, उससे ये आंसर सही आ जाए। तो अब देखिए ऐसा करने पर किससे आएगा, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ, को इसमें अक्सर ऑप्शन भाग वाला सही होता है, अगर भाग वाला दोनों चेक कर लेते हैं जिसमें इसमें भाग दिया है, तब फिर अगला आंसर चेक करते हैं। तो देख लीजिए पहला बी का भाग वाला, देख लीजिए कि अगर प्लस के स्थान पर भाग कर दीजिए, कहाँ प्लस है, यहाँ के स्थान पर भाग करिए और भाग के स्थान पर प्लस करिए, ये ट्रिक है, जो कि जहाँ जहाँ भाग होता है उसको पहले चेक करें, वहीं आप आंसर में आता है। तो इसको भाग देंगे 20 में, तो क्या आ जाएगा, 20 में 4 का भाग होगा 5 होगा, यहाँ माइनस इस हो गया 7, प्लस 15 गुणते 5, अब गुणा कर दीजिए, 15 5 75 प्लस 7 माइनस 5, तो कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा, प्लस 5 82 माइनस 5, तो कितना आया, 77 आ गया घटाने पर। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ गया। तो हमने कहा ना कि ये आप देखेंगे तो मिल जाएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन का भी आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, नहीं तो मेरे साथ जब प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में भी बना लेंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं, पर टेस्ट दीजिए, अगर टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जाहिर सी बात है आपका समय भी वो एग्जाम के दरमियान मैनेज होगा, इसलिए टेस्ट जरूर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कमेंट में ये भी बताइए कि हमें इस पर ठीक लग रहा है या बोर्ड पर ही पढ़ाऊँ। एक में 5 जोड़ा है, श्रृंखला क्या हो गया, 6 हो गया, फिर इसमें 7 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा है, 9 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है, तो 33 आएगा। देखिए विषम संख्या जोड़ा, 5 7 9 फिर 11, फिर क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, तो 33 में 13 जोड़ी कितना होगा, 46, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिए ये डी वाला ऑप्शन है, तो इसका डी सही हो जाएगा, 46। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहा है कि 6 को हम 222 लिखते हैं, तो 7 को क्या लिखेंगे, तो 6 को देखिए सोचिए कैसे 222 आ रहा है, तो इसमें क्या किया गया है, 2 2 2 जोड़ के ऐसे मत करिए, क्योंकि इस तरह से इसमें देखिए कोई जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है इस ऑप्शन में, तो आप इसका ये रूल अक्सर इसमें जो आता है कि 6 का जैसे ही हम करेंगे 6 का क्यू कर देंगे, 6 का क्या किया है, क्यू किया है, प्लस 6 का क्यू, आपको ये क्यू याद ही होना चाहिए, 6 6 के 36, 6 का
छत्तीस, चचा के 36 छत्री 18, 216 होता है। 216 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 222 आएगा। तो देखिए 22 आ गया। वैसे ही 7 का क्यों करिए, प्लस 7 जोड़ दीजिए। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा क्या करना होता है। 343 होता है 7 का क्यों, प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 350। तो इसका आंसर डी ए हो सही होगा। तो आपको प्रैक्टिस कराए तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, देते रहिए और अच्छा प्रदर्शन करिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैथ करा ही रहे हैं, रीडिंग करा ही रहे हैं, जीएस के आपको कुछ शार्ट्स देते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट्स है, उसको भी प्लीज़ आप रिविज़न कर लें। और जीएस में भी कुछ समय मिलता है तो कुछ वीडियो बना दे रहे हैं, ट्रेड का भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इस तरह से हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे। और कमेंट में बताइए और क्या आपको हेल्प चाहिए, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।